मैं तो नाम पहली बार सुना है, चिल्ला क्या होता है? I don't know. राजस्थानी आइटम है, बनाते थे इसका सीखे देख सकते हैं ना, काफी सॉफ्ट बना हुआ है पनीर और प्याज का टेस्ट। दुकान 20-22 साल ना, 20-22 साल से ये चीज बना रहे हैं ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी मोरिया लॉक से क्रॉस कर रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक स्टॉल दिखा और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कलकत्ता चिल्ला कॉर्नर। मैं तो नाम पहली बार सुना है, चिल्ला क्या होता है? आई डोंट नो, बट चलो देखते क्या कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मूंग दाल का बनता है ना, जरा बनाओ मेरा भी, जरा देखते कैसे बनता है। यह है क्या जी? चिल्ला। चिल्ला हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, चिल्ला। पनीर और बना दो, क्या दो अच्छा रहे, बनाओ। अच्छा ही रहता है, पनीर बनाओ। तो ये है कहाँ का, मतलब जो ये सब चिल्ला राजस्थानी आइटम है, राजस्थानी आइटम है, कलकत्ता में बनाते थे इसका सीखे। ये मूंग दाल का बना हुआ रहता है ना, दाल का बना हुआ रहता है, इसमें प्याज पनीर, प्याज आ गया ऊपर से पनीर को। धनिया का पत्ता आ गया ना, धनिया पत्ता आ गया, रिफाइन हो गया, रिफाइन। आप ही का दुकान है? दुकान में है। ये काजी और चटनी डाले, ये धनिया का चटनी, धनिया का चटनी, ये लहसुन टमाटर का, लहसुन का लहसुन टमाटर था ना, केला भले 4 महीना हुआ है, लेकिन दुकान 20-22 साल से ये चीज बना रहे हैं ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, हम लोग जस्ट अभी जो पुराना वाला हमारा मुड़िया लॉक था वहाँ पे, और जस्ट वहीं पे एक कलकत्ता चिल्ला कॉर्नर के नाम से यहाँ पे खुला हुआ है। चलो ट्राई करके देखते, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कितने देर तक गर्म करते? 5 मिनट है ना, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, 2 मिनट बनकर तैयार, 2 मिनट में, 2 मिनट होंगे और क्या, तो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है बनके। चलो देखते हैं ट्राई करके क्या है, मैं तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बट देखते कैसा है। अगर तो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है, क्या बना हुआ है। टेस्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है पनीर और प्याज का टेस्ट। इसका जो चटनी है ना, चटनी काफ़ी लाजवाब है, जो जो मज़ा है वो चटनी का है।